हेलो स्टूडेंट्स तो बेटा आज अपने क्या है मिड डी पेपर फोर का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन है तो उसके टॉपिक है आपके पास में वेक्टर थ्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैथ्स में देखो पहले जय का क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द वैक्टर्स ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर ऑफ सेम लेंथ एंड टेकन पेयर वाइज टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म में

तो c वेक्टर भी है c1 i आई सी टू जे सी थ्री के ओके सो इसका मोडलस क्या आएगा आपके पास में टू सो दिस इज c अंडू टू ठीक है स्केयरिंग करेंगे स्केयरिंग करेंगे तो विल है सो दिस इज इक्वल टू वट मोडलस ऑफ ए वैक्टर दे आर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल लेंथ के हैं तो आपके पास में सी स्क्वायर इज इक्वल टू तो दिस इज c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर c3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सो दिस इज इक्वल टू 2 आ गया ओके नाउ दे आर फॉर्मिंग द इक्वल एंगल विद ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ में इक्वल एंगल बनाते हैं तो इक्वल एंगल बनाएंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है इसमें तो इक्वल एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर डॉट ए सो फॉर्मिंग ईच अदर इक्वल एंगल सो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर वी हैव हियर के इक्वल आएगा सो बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर यू हैव सो दिस इज सी टू प्लस सी थ्री सी टू प्लस सी थ्री एंड दिस इज सी वन प्लस सी टू ओके पास में ये यहां पर. तो क्या रहा आपके पास में सी टू कैंसिल हो जाएगा सी वन सी थ्री दे आर इक्वल दे आर इक्वल तो सी वन एंड सी थ्री वी हैव इक्वल सो एंड वी फाइंड सी थ्री एंड

सी टू स्केयर एंड प्लस सी टू स्केयर एंड प्लस सी टू माइनस वन होल स्कल टू टू ओके इसमें रख दिया ठीक है तो अब अपने इसको सोल्व करेंगे तो यू विल हैव हियर तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी क्या वैल्यूज आ रही है देखो इसको जब आप सोल्व करते हो सो so टू यहां पे वन प्लस सी टू स्केर माइनस टू सी टू यहां पर

C2, C2, so C2 so, वैल्यूज आ गए तो कोरोस्पो टू दीज वैल्यूज C2 टू एंड सी टूपन एंड सी थ्री तो इसके कोरसपॉन्डिंग सी वन और सी थ्री की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में वन वन इसके कोरस्पॉन्डिंग सी वन एंड सी थ्री दे विल बी इक्वल टू तो इसमें देखो यहां पर आपको पता है सी वन इज इक्वल टू वन माइनस सी टू तो वन माइनस सी टू रखेंगे तो दैट दिल बी माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री तो C1 C3 सी थ्री विल बीवल टू माइनस वन अपॉन थ्री सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ C1 वन एंड सी थ्री एंड सी टू इज जीरो सो वट विल बी दी वैक्टर्स विल बी हेयर आई कैप

नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप वी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड डब्ल्यू वेक्टर वी हैव टू आई प्लस थ्री जे प्लस के कैप इफ एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर सो दैट दी यू वेक्टर

तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जो उनका उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा बी के कैप, ओके? सो हियर वी तो इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है क्लियर है तो अब अपने पास में इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है तो वेरी सिंपल सो दिस विल बी हियर डब्ल्यू वेक्टर एन कैप या ओमेगा वेक्टर भी बोल सकते हो आप दिस विल बी हेयर सो नाउ एन कैप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो व्हाट विल बी हियर डॉट प्रोडक्ट सो वी हैव हेयर कैप सो दिट विल बी सो यहां से आपके पास में वैल्यू जो आएगी आपके पास में इसको इसको साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टू आई प्लस थ्री जे प्लस के कैप ओके सो डॉट प्लस माइनस के कैप so what is the answer to this question so we have here so answer to this question is we this will be equal to k cap dot k cap okay so this will be one so answer to this question we have third option okay so next question

तो देखो इसमें सिंपल सा आपके पास में l वेक्टर इस सॉल्यूशन इसका सो so l वेक्टर भी है पैरेलल टू व्हाट दिस इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर सो l वेक्टर यू कैन टेक हियर लैम्डा अल्फा वेक्टर ओके सो वी हैव दिस इज लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप ये इस फॉर्म में आ गया ओके सो नाउ बीटा वेक्टर वी ना बीटा वेक्टर भी है दिस इज़ इक्वल टू 12, 12 sorry, 12 सॉरी वेक्टर माइनस 3 एम वेक्टर इस फॉर्म में है तो अब इसमें बीटा वेक्टर की वैल्यू डाल दो आई माइनस जे प्लस टू के इस फॉर्म में ठीक है प्लस इसको देखो माइनस 12, ट्वेल्व वैक्टर माइनस थ्री एम वैक्टर इस फॉर्म में ये माइनस थ्री एम वैक्टर आ जाएगा सो so, यहां से m वेक्टर की वैल्यू निकाल लो यहां पे l वेक्टर की वैल्यू डाल दो व्हाट इज द l वेक्टर बी हैव हियर सो i a 2k कैप एंड -2 सो व्हाट इज द यहां पे l वेक्टर दिस इज लैम्डा i plus 2j इस फॉर्म में minus -3 m वेक्टर ओके okay? So, यहां से एम वेक्टर देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा ये टू लेमडा माइनस वन आई कैप तो ये प्लस का हो जाएगा तो फिर फोर लेमडा प्लस वन तो देखो व्हाट विल एम वेक्टर इज इक्वल टू तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट विल बी टू लेमडा आई प्लस टू जे प्लस टू जे एंड माइनस आई प्लस जे माइनस टू के कैप फॉर्म में आ गया ठीक है अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो टू लेमडा माइनस वन आई कैप एंड फोर लेमडा प्लस वन जे कैप सो फाइनल वी हैव हियर टू के कैप ओके सो दिस इज थ्री एम वेक्टर थ्री एम वेक्टर एम वेक्टर इज इकल टू बी है टू लेमडा माइनस वन आई कैप फोर लेमडा प्लस वन जे कैप माइनस टू के कैप ओके सो दिस वी है सो यू है एल वेक्टर क्रॉस एम वैक्टर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अब अपने पास में देखो एम वेक्टर इज पर पेंडिकुलर टू वट एल्फावेक्टर ओके सो एल्ज टू एल्फावे तो इसमें तो बेटा एमवेक्टर टू वाक्टर इक्वल टू जीरो से आप एल्फा वैक्टर के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो so, दिस से इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ रहा आपके पास में टू लमडा माइनस वन एंड प्लस टू टू फोर लेमडा प्लस टू प्लस वन सॉरी प्लस वन इजिकल टू जीरो ओके सो दिस वी हैव टेन लेमडा टेन लेमडा एंड प्लस माइनस वन सो लेमडा इजिकल टू बी है So, की आ so, now, में देखो, आपके में क्या है एलवेक्ट्री टू एल्फा वैक्टर एंड एम वैक्टर इज परपेंडिकल इज पैल टू एल्फा वैक्टर एंड एम परपेंडिकुलर टू एल्फा वैक्टर सो एंगल बिटवीन दी एल वैक्टर एंड एम वैक्टर विल बी नाइनटी डिग्री क्लियर है तो उनमें देखो एल वेक्टर किसके पैरेलल है अल्फा के और एम वेक्टर परपेंडिकुलर किसके अल्फा के सो द एल वेक्टर एंड एम वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओके सो देखो अब इसमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का किस तरीके से करेंगे सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री सो वी हैव एल वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर तो इसको किस फॉर्म में लिखा आपने एल वेक्टर का मोडुलस मोडुलस ऑफ एल वेक्टर मोडुलस ऑफ एम वेक्टर इनटू साइन 90 सो दिस विल बी वन साइन 90 तो so, अब इसमें देखो एल वेक्टर की वैल्यू डाल दो एम वेक्टर की वैल्यू डाल दो क्लियर है सो वी हैव एल वेक्टर किसके इक्वल आया आपके पास में एल वेक्टर वी हैव हियर सो एल वेक्टर इज पैरेलल टू सो -1/10 -1/10 एंड 1 प्लस आई कैप 2 जे कैप ओके सो इसका मोडुलस और इसका आपके पास है मोडलस इसको भी देखो एम वेक्टर को आप सिंप्लीफाई कर लो पहले एम वेक्टर इक्वल टू भी है एम वेक्टर भी है यहां पे वैल्यू डालोगे तो कितना आ रहा है ये माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अपॉन टेन ओके सो दिस विल बी माइनस फोर्टीन सो यहां पे इसकी वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा ये माइनस का ट्वेल्व इधर माइनस का फोर एंड सिक्स बाई टेन इधर का टू के में यहां पर इसकी वैल्यू डाल दी ऑफ सो दिस बी हेयर अंडूड फाइव अपॉन टेन ओके इसमें भी देखो इसका भी कितना आएगा आपके पास में थ्री बाहर एंड ये ट्वेंटी इधर तो इसको देखो अपने पास में तो इसका मोडलस भी लेंगे जब आप इसका लोगे तो आपके पास में कितना आएगा इसका मोडलस टेन लेकर इधर क्या आएगा माइनस का ट्वेंटी ओके okay? तो इधर टेन माइनस टू के कैप इस फॉर्म में तो इसका बन गया रूट फाइव इसको फिर सिंप्लीफाई करो सो दिस विल बी हेयर ट्वेंटी फिर वन ये आएगा, आएगा आपके पास में तो इसका मॉडलेस बेटा आपके पास में कितना आएगा? इसको थोड़ा सिंपलिफाई कर लेंगे 144 एंड प्लस 36 और ये प्लस का आपके पास में 400 आएगा 400 हो जाएगा ना 20 इधर 400 ओके okay? 10 इसका बाहर ये सो दिस विल बी यर ये आपका कितना बन गया 580 बन गया 580 580 सो दिस इज़ अन्ड्रूट फाइव एंड अपॉन थ्री हंड्रेड सो फाइव एटी को आप क्या लिखोगे इसमें फाइव एटी को सो दिस यू कैन राइट ऑन हेयर रूट फाइव जैसे इसको फाइव एटी को लिख दिया ट्वेंटी ओके सो दिस बी हंड्रेड सो ये तो वन ही है यहाँ पे यहाँ पे तो वन ही रहेगा अब देखो ये हंड्रेड बनेगा तो टेन बाहर आएगा सो दिस विल बी हेयर ट्वेंटी नाइन अपॉन थर्टी ंड्रुड में ट्वेंटी नाइन अपॉन थर्टी सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है क्वेश्चन देखें सो पॉसिबल जेड विच सेटिस्फाई द इक्वेशन वैल्यू बतानी किसकी जेड की विच सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है इस फॉर्म में इस में Z आएगा बेटा ठीक है अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगा एक्स स्क्स वाई स्क्र सो थ्री प्लस आयोटा एंड एक्स प्लस आयोटा वाई इस फॉर में आ गया सो दिस थ्री माइनस आयोटा और एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस सिक्स टू जीरो जब आप सोल्व करोगे तो देखो यहां से माइनस का थ्री एक्स आएगा और माइनस का इधर से आईटा स्क्स का वाई हो जाएगा तो ये एक्स स्क्स वाई स्क्र बाकी का पार्ट क्या है जो आयोटा वाला पार्ट होगा जैसे देखो इधर से माइनस का आयोटा एक्स आएगा ठीक है, ए, प्लस का जो है, का का जो वाले सारे हो ओके तो इधर से माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई आएगा वो प्लस का बन जाएगा इधर से फिर प्लस का आयोटा स्क्वायर वाई तो प्लस का आयोटा स्क्वायर वाई आएगा तो माइनस का वाई तो प्लस का वाई हो जाएगा तो ये आपके पास प्लस का टू वाई ओके सो दिस इज़ द लोकस लोकस ऑफ़ का आ गया अब इसमें इसमें देखो पहला पॉइंट आप इसमें रख रख के देखोगे फर्स्ट पॉइंट देखो जब इसमें टू माइनस सिक्स सो दिस जीरो सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाइंग दिस सो बाकी दूसरे इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट वन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या टू इंटरसेक्टिंग लाइन दो इंटरसेक्टिंग लाइन है लाइंग इन ए प्लेन पी वन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पी टू इज टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड तो ट्वेंटी दे रखा है सो देन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन पी वन एंड पी टू तो पी वन और पी टू के बीच में बेटा डिस्टेंस पूछा आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो सॉल्यूशन में इसमें इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ऑप्लेन पी वन पी वन का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो देखो इसका इक्वेशन क्या आएगा आपके पास में x माइनस वन वाई माइनस थ्री जेड माइनस फोर एंड टू वन माइनस थ्री माइनस वन टू फोर इज इकल टू जीरो सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टी वन तो इसमें देखो आपके पास में कितना आ रहा है टेन टेन एक्स माइनस वन क्लियर है सो दिस में है इधर से एट माइनस सिक्स इधर से फाइव माइनस फाइव वाई माइनस थ्री एंड सिमिलरली फोर दिस इज फाइव जेड माइनस फोर तो प्लेन P1 का इक्वेशन आ गया इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास में देखो ये फाइव से डिविजिबल है सो दिस इज टू एक्स एंड माइनस वाई प्लस जेड सो यहां से माइनस टू प्लस थ्री माइनस फोर ठीक है तो यहां से माइनस टू एंड माइनस सिक्स माइनस सिक्स एंड प्लस थ्री तो दैट इज माइनस थ्री तो प्लस थ्री प्लस थ्री आएगा ना तो ये माइनस का देखो इधर से क्या आ रहा है माइनस का टू माइनस का सिक्स माइनस का थ्री आ रहा है सो so, माइनस so, so, का थ्री सो यूर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको देखना है कितना आएगा सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेस इज कॉन्स्टेंट डिफरेंस ऑफ द टर्म ठीक है so, अपॉन में सो दैट विल बी फोर प्लस वन प्लस वन ये डिस्टेंस आ जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल प्लेन्स ये दोनों पैरेलल है प्लेन सो एटीन अपॉन

अगर एरिया को मैक्सिमम बनाना है तो उसकी हाइट को क्या लेना पड़ेगा अपने को वर्टिकल लेना पड़ेगा यानी परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तो उसके लिए मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए आपके पास में इट इज गिवन टू यू ए वेक्टर इज दिस इज यूनिट वेक्टर तो सिंपली आपको क्या करना है सो ए वेक्टर विल बी हेयर सोल्यूशन क्या होगा इसमें सो ए वेक्टर विल बी सॉल्यूशन में ए वेक्टर विल बी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सिंपल आपको ये करना है और कुछ नहीं है इसमें तो देखो यूनिट वेक्टर लेना साथ में इसका ठीक है सो द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दिस यू हैव टू फाइंड आउट सो व्हाट विल बी दिस आई जे के सो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन ए वेक्टर इज एक दैट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी वेक्टर एंड सी वेक्टर तो यहां से आप माइनस आई फोर सिक्स टू माइनस सेवन माइनस टेन सो दिस इज टू आई ठीक है एंड तो जे वाला देखें आपके पास में जे वाला क्या आ रहा है माइनस टेन टेन माइनस ट्वेल्व तो माइनस प्लस का टू प्लस का टू ओके, सेवन माइनस एट माइनस का के कैप माइनस का कैप ठीक है, ये आ रहा, कैप, कैप अपॉन मॉडुलस थ्री सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर ओके तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास में द वैल्यू ऑफ सिग्मा वेरीज फ्रॉम के इज इक्वल टू वन टू सिक्स सो साइन टू पाई के अपॉन सेवन माइनस आयोटा कोस टू पाई के अपॉन सेवन इस इसकी वैल्यू पूछी है आपको ना तो देखो इसमें सॉल्यूशन के लिए तो आपने नंबर में ऑफ़ यूनिटी पढ़ा होगा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा तो देखें इसमें सिग्मा अपॉन सेवन सो इसको देखो मैं आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं यहाँ पे तो केन सिक्स दिस इज माइनस आयोटा स्क्वेर साइन टू पाई के अपॉन सेवन माइनस आयोटा कॉस टू पाई के अपॉन सेवन इस फॉर में तो यहां से माइनस आयोटा क्या है कॉमन आएगा सो दिस वि कॉस टू पाई के अपॉन सेवन प्लस आयोटा साइन टू पाई के अपॉन सेवन ओके okay? इस फॉर्म में आ गया अब देखो ये आपके पास में इफ यू राइट डाउन हियर सो इसको टू पाई के को मैं क्या लेट कर लेता हूं यहां पर इसमें देखो अगर इसमें वन वैल्यू डालेंगे सो so इसमें देखो कॉस टू पाई अपॉन सेवन प्लस कॉस फिर टू रखेंगे फोर पाई अपॉन सेवन इस तरीके से आएगा ठीक है तो इसको मैं अल्फा लेट कर लेता हूं देखो इसको अल्फा लेट कर लेते हैं इसको अल्फा अल्फा स्पोज कर लेते हैं इसको अल्फा सो हियर यू तो इसमें देखो अल्फा इक्वल टू बी नथिंग दिस इज ई पर, देखो इसको अपने अगर अल्फा लेट कर लें, तो हियर आपके पास में क्या आएगा यहां पे टू रखेंगे थ्री रखेंगे तो यू विल हियर इन दिस फॉर्म सो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब

माइनस वन सो यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू माइनस वन सो हैव हियर आयोटा ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन से रिलेटेड है इसको एल्फा लेट कर लेंगे फिर वन रखेंगे फिर थ्री रखोगे अल्फा क्यूब तो अल्फा रिस्प सिक्स तक आएगा वन एड करोगे वन सब करोगे सम विल बी जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके पास में रिजोल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए एंड अलोंग वेक्टर बी ठीक है ए वन एंड दैट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इज ए टू ठीक है तो अलोंग देखो रिजोल्व पार्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर बी इज क्या ए वन है एंड दैट परपेंडिकुलर टू

ए वन वैक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो देखो इस तरीके से तो ये A1 vector की वैल्यू आ जाएगी और ये तो B vector cross A vector, तो क्रॉस देखो आप सिंपली वैसे भी देखो आप इसमें जब इसको इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट पहले तो ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आएगा यहाँ पे फिर जब इसका इसके साथ में करोगे बी वेक्टर क्रॉस बी जीरो तो सिंपली यू विल हैव हियर आपके पास में क्या आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन स्केर ऑफ ऑफ बी वेक्टर ओके तो इस तरीके से ये आपके पास में ए वन वैक्टर क्रॉस ए टू वैक्टर आ जाएगा सो वट विच आंसर इज करेक्ट हेयर सो थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में द लाइन्स

यू मस्ट नो कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी आपको पता होनी चाहिए है ना तो ये देखो अब इसमें क्या रहेगा कोपलेनर की कंडीशन इस लाइन पे पॉइंट क्या है टू थ्री फोर तो पहले मैंने टू थ्री फोर इधर लिख दिया अब इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है वन फोर फाइव सो so यहाँ पे वन माइनस फोर माइनस फाइव माइनस ये एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ दी एंड दोनों 2 के डायरेक्शन सिंप्लीफाई कर लो सो यू विल हैव द वैल्यूज ऑफ तो किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास में तो पहले इसको और थोड़ा सा सिंपली माइनस वन तो दिस इज वन एंड दिस इज वन ओके तो वन वन माइनस के एंड के टू वन इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो आपके पास में क्या आ माइनस वन एंड टू प्लस के फिर माइनस वन इस तरीके से तो वन प्लस वन प्लस के स्क्वेर ओके तो फिर इधर प्लस के ये वाला तो टू माइनस के टू माइनस के

तो बेटा यहां पर थोड़ा सा यहां पे देखो इसमें यहां पे टू आएगा ये टू ये वन ठीक है तो इसमें यहां पे ये अब आपके पास में ये माइनस का टू के हो जाएगा ये वन हो जाएगा वन ठीक है तो अब इसमें आपके पास में तो टू तो कैंसिल हो गया दिस विल बी कैंसल एंड वट विल बी है सो थ्री के स्केयर के स्केयर प्लस थ्री के सो दिस विल बी जीरो सो के इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री

सर्कल का इक्वेशन है ये दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स ओके तो इसमें आप क्या सर्कल में ऐसे कोई पॉइंट लेट कर लो जो पैरामीट्रिक फॉर्म में सो तो अपने को जेड इसमें किस फॉर्म में लेट कर लेते हैं देखो जेड इसमें लेट जेड इज इकल टू फोर को सीटा साइन थीटा वो इसको सेटिस्फाई करता है ठीक है तो देखो अगर, अगर अपने इसके किस फॉर्म में ये आएगा, आएगा आपके पास में फोर कॉस थीटा एंड फोर साइन थीटा ऐसा हो गया ये तो अब अपने को इसका देखो क्या पूछा है सो वी रिक्वायर हेयर रेंज ऑफ दिस इसकी रेंज आपके पास में क्या आ जाएगी फोर बाहर सो दिस मोडुलस ऑफ कॉस थीटा माइनस फोर मोडुलस ऑफ साइन थीटा ओके इस फॉर्म में तो इसको स्केयर कर लेंगे स्केयर इसका ये 16 हो जाएगा तो टेकिंग स्केयर ऑफ दिस तो स्केयर करोगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास में cos साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा ऐसे तो स्केयरिंग करके फिर आप इसका रेंज निकालेंगे इसकी जो रेंज आएगी वो इसकी रेंज जो होगी वो इसी की रेंज होगी ठीक है तो ये बन गया आपके पास में टू मोडुलस ऑफ साइन थीटा एंड मोडुलस ऑफ कॉस थीटा इस फॉर्म में सो दिस इज 16 1 माइनस वन माइनस साइन टू थीटा इस तरीके से मोडलस में ओके सो वट मैक्सिमम वैल्यू इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी वैल्यूल तो 16 आ जाएगा मैक्सिमम ये yes, मोडलसाइन थीटा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जीरो सो इट्स रेंज विल वेरी फ्रॉम जीरो टू सिक्सटीन ये जीरो से सिक्सटीन के बीच में आएगा ना ये तो ये वट इज दिस दिस इज एक्स दिस इज वाई फोर so, ये आपके पास में दिस इज एक्स दिस इज वाई ये इसमें फोर में आया ना सो मोडलस ऑफ एक्स माइनस मोडलस ऑफ वाई स्केर सो वेरी ऐसा सो वट विल द रेंज ऑफ दिस सो दैट विल बी जीरो टू फोर तो आपके पास में इसकी रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी सो दैट बिलोंग्स टू जीरो टू फोर फर्स्ट वन तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्लेक्स नंबर जेड दू वन क्लियर है कितने ऐसे कंप्लेक्स नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और मोडल टू वन का मतलब क्या हुआ जेड लाइज हुआ तो इसमें देखो इसके सोल्यूशन के लिए बेटा कैसे करोगे आप लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ऐसे लेट कर लो जेड इक्वल टू ओके तो अब इसमें देखो यहां पर जेड जेड प्लस जेड जेड बार सो दिस विल बी जेड जेड बार ये मोडलस में इधर ये भी मोडलस में ओके okay? तो इसमें जब आप इसका एक्स प्लस आयोटा वाई का जब होल स्क्र करोगे सो दैट विल बी हेयर एक्स स्क् माइनस वाई स्क्र तो यहां से प्लस का टू आयोटा वाई आएगा यहां से माइनस का टू वाई, वो हो जाएगा, तो ये देखो जब आप यहां से मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस एक्सक्र प्लस वाई स्केयर आएगा एक्सक्र प्लस वाई स्क्र इस फॉर्म में आएगा तो अब इसमें जैसे देखो आप पहले प्लस का लोगे माइनस का लेते हो जो माइनस का लेंगे तो विल गेट यहाँ पे जो माइनस का लोगे नेगेटिव साइन सो लोगेल अगर आप पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा x square is equal to three y square. तो पे ठीक है अगर पॉजिटिव लिया तो आपने यहां से नेगेटिव लिया इधर से पॉजिटिव लिया तो देखो इधर माइनस का टू बाई स्वर इजिकल टू थ्री बाय स्क्र यहां से दो लाइनें मिलेगी यहाँ से भी दो लाइनें सो द फोर लाइंस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ़ सर्कल सर्कल के सेंटर से पास होंगी ठीक है ओरिजिन से पास हो रही है। तो एक लाइन तो ये हो गई ठीक है तो जैसे यहां से x टू क्या मिलेगा आपको रूट थ्री एक्स इजिकल टू वाई एक से मिलेगी x? ये लाइन मिल गई ओके। फिर ऐसे ही आपके पास में नेगेटिव स्लोप वाली मिलेंगी बी यूल टू लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोब एक कौन सी मिलेगी आपको माइनस रूट थ्री एक्स इजिकल टू वाई एक मिलेगी माइनस एक्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने पास में तो सोल्यूशन हो गए सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कंप्लेक्स नंबर टू दिस क्वेश्चन इज थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन सो ट्वेल्थ क्वेश्चन देखें सो ट्वेल्थ क्वेश्चन जेड लाइज ऑन ए सर्कल जेड किस पे लाई करता है एक सर्कल पे लाई करता है जेड माइनस टू आयोटा इज टू टू रूट टू सो देन वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट तो इसका आर्गुमेंट मतलब ये अपने को बताना है अभी इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा तो एक्चुअल में देखो आपके पास में हियर वी हैव द कॉम्प्लेक्स नंबर So, lies on a whose कितना उसका आपके पास में रेडियस टू रूट टू है so, किस तरीके से डायग्राम से देख लो आप इसको ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन को करें सिंपल है इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली करते हैं बेटा तो देखो ये दिस इज दिसो टू ओके वटी द रेडियस रेडियस इज टू रूट टू देट इज मोर देन व्हिच इज मोर देन द व्हाट टू तो ये सर्कल आपका क्या है एक्स एक्स को कट करेगा ऐसे दो पॉइंट पे ऐसे ओके तो अब अपने पास में ये पॉइंट देखो इसका अपने पास मेंटिद क्या कर आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस टू जेड प्लस टू तो ये पूछा इसने तो ये पॉइंट देखना अपने को देखो 2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या अगर 2 0 इसमें रखते हैं सो so अगर मैं इसमें देखो ये पॉइंट 2 0 2 0 यहां पे 2 minus 2 आयोटा था तो मॉडलस ऑफ दैट विल बी 2 root 2 सो 2 0 लाइज ऑन दिस सर्कल एंड minus 2 0 आल्सो लाइज ऑन दिस सर्कल ओके सो आर्गुमेंट ऑफ j minus 2 तो j minus 2 तो जेड किस पे लाइ कर रहा है जेड लाइज ऑन दि सर्कल सर्कल पे तो पहले तो अपने ये देखो व्हाट इज़ द एंगल बाय दी टू एट सेंटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल स्लोप इजर माइनस वन एंड व्हाट इज इट्स स्लोप इट्स स्लोप इज वन तो वन it so आ रहा है सो प्रोडक्ट ऑफ दू बी नाइनटी डिग्री सो व्हाट इज द एंगल दिस एंगल इज नाइंटी डिग्री ओके okay? तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया अब अपने को पता है एंगल डिस्क्राइब कोड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल हाफ ऑफ़ इसल्टेंड कर रहा है नाइंटी डिग्री एट देंटर ऑफ सर्कल तो यही आर्क क्या है सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे कितना एंगल सब्टेंड करेगा हाउ मच दिस एंगल एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री सो दिस इज जेड दिस इज जेड तो यहां से क्या आया जेड माइनस टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू यू जा रहे हैं ना अपने एंटीक्लॉक वाइड डायरेक्शन में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टू अपॉन जेड प्लस टू दैट इज इक्वल टू पाई पाइव फोर तो पाई पाइव फोर आपको लेना है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी है सेकेंड ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो थर्टींथ क्वेश्चन देखो इसमें बेटा थर्टींथ क्वेश्चन में क्शन ऑफ दू प्लेन्स और ये आपके पास में सिमिट्रिकल फॉर्म में एक लाइन दे रखा है आर परपेंडिकुलर दे इज इक्वल टू तो ए की वैल्यू पता नहीं है अपने को ना तो इसमें देखो सोल्यूशन सॉल्यूशन के लिए इसमें तो पहले अपने लाइंस की डायरेक्शन रेशियो ले लें विच इज फोर्ड द दीज टू प्लेन्स तो उसके डायरेक्शन ए वन बी वन सी वन लेट कर लेते हैं दैट लाइन लाइज इन बोथ दी प्लेन सो नॉर्मल ऑफ दीज टू प्लेन इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल होंगे उस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है ए वन माइनस टू बी वन प्लस फोर सी वन इजिकल टू जीरो टू ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन इजिकल टू जीरो इस फॉर्म में आ रहा है ठीक है सो द ए वन अपॉन ए वन अपॉन माइनस टू एंड माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स बी वन अपोन सो दिस वी है वन एंड एट तो माइनस का ये कितना बन गया आपके पास में एट माइनस वन सेवन तो सी वन

टेन एज इकल टू फाइव ए इजिकल टू वन अपॉइंट टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन अपॉइंट टू सो सेकेंड ऑप्शन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में क्या है तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन माइनस फाइव माइनस टेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड द प्लेन तो देखो इस लाइन का इस प्लेन के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद में उस पॉइंट पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस से ओके तो देखो अपने को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो इसमें इस लाइन इस पे पॉइंट कर लेते इस लाइन पे पॉइंट क्या आएगा आपके पास में एक्स माइनस टू अपॉन टूट y प्लस वन फोर जेड माइनस टू ट्वेल्व ये लाइन जहां पे प्लेन को कट करती है ना तो उस पॉइंट का अपने को डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट सपोज करो P है इसका फिर इस M से अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है M पॉइंट क्या है यहाँ पे माइनस फाइव माइनस वन माइनस फाइव एंड माइनस टेन इसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अपने को MP फाइंड आउट करना है सो so इस पे पॉइंट क्या लेट कर लेते हैं पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं दिस इज टू आर प्लस टू एंड फोर आर माइनस वन ट्वेल्व आर प्लस टू ओके सो दिस इज पॉइंट पी इट लाइज इन वट स्प्लेन में लाइज कर रहा है, is plane में इसको satisfy कर है तो क्या आएगा सो टू आर प्लस टू माइनस फोर आर प्लस वन एंड ट्वेल्व आर ट्वेल्व आर प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू फाइव फाइव के इक्वल आ रहा है तो so, देखो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते so, this is 14, 10R. 10R, so के कोऑर्डिनेट्स क्या गए आपके पास में सो वो टू माइनस वन एंड टू सो वट इज द डिस्टेंस ये अपने को एम पी फाइंड आउट करना एम पी कितना हुआ फिर आपके पास में देखो सो so, दिसन एंड सिक्सटीन एंड सो फर्दर वी हैव दिस दिस ओके सो इज थर्टीन तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देना सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फोर्थ वन सो नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स

आपको पता है बेटा दो दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर ए वेक्टर सो दिसर बी है इसका बराबर होती है तो स्क्वायर ऑफ स्के ऐसा हो गया तो ये आपको पता है किसके बराबर होता है ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर A vector dot b vector and a vector dot c vector b vector dot a vector and b vector dot b vector and b vector dot c vector. Is form me? Okay. Further, this is c vector dot a vector and c vector dot b vector and c vector dot c vector equal to 36. So this is one, this you will have two. So angle between them is

फोर आएगा ठीक है इधर आपके पास में दैट विल बी सिक्स कोस थीटा ठीक है इस फोर में सो so, इधर आपके पास में फिर वही थ्री तो दिस इज सिक्स एंड दिस इज नाइन इक्वल टू थर्टी सिक्स इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में देखो क्या आ रहा है सो थर्टी सिक्स माइनस थर्टी इससे एक्सपेंड किया सो so, फिर माइनस टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा इधर अंदर फिर ये माइनस टू कॉस थीटा दिस एटीन एटीन वो जीरो हो जाएगा फिर इधर आपके पास में क्या आ रहा है थ्री कॉस थीटा तो वो वाला जीरो आ रहा है सो थ्री कॉस थीटा थ्री कॉस थीटा तो दिस इज ट्वेल्व ट्वेल्व तो देट इज अगेन जीरो सो ये भी जीरो आ रहा है सो बी है थर्टी सिक्स तो आपके पास में किस फॉर्म में मिल गया ये आपको माइनस थर्टी इक्वल टू थर्टी सिक्स तो आपके पास में कैंसल है जीरो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो थीटा कितना आ रहा है आपके पास है पाई बाई टू सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इस भी है स्ट ऑप्शन ओके तो नेक्स्ट पार्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगेन सिंपल है कंप्लेक्स नंबर से तो इसमें एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री प्लस आयोटा प्लस वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस आयोटा इक्वल टू तो सिंपली आपको क्या, है? इसमें एल्सियम लेकर इसको क्या है एक्स माइनस थ्री थ्री माइनस आयोटा एंड प्लस वाई माइनस थ्री एंड थ्री प्लस आयोटा इस फॉर्म में तो दिस दिसोटा एंड नाइन माइनस आयोटा टेन टेन आ गया ठीक है तो इधर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ रहा है यहां पे थ्री एक्स तो बगैर आयटा वाला जो टर्म है वो लिख देते अपने ना आ, तो इसमें थ्री एक्स माइनस का नाइन यही आएगा और बाकी जो आयोटा वाला है उसको लिख देंगे प्लस का ये हो गया आपके पास में आयोटा इधर माइनस का आयोटा एक्स और ये माइनस प्लस प्लस का थ्री आयोटा इस तरीके से so, सो थ्री वाई और थ्री वाई माइनस नाइन और नेक्स्ट वन यहाँ पे आयोटा वाले क्या आएंगे प्लस आयोटा वाई एंड माइनस थ्री आयोटा इजिकल टू टेन क्टिंग रियल एंड इमेजरी पार्ट को जब इक्वेट करोगे तो आपके पास में उधर रियल पार्ट तो है नहीं माइनस एटीन माइनस एटीन इक्वल टू जीरो सो यू कैन राइट ऑन दिस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू सिक्स ऐसा आ रहा है ठीक है अब इसमें देखो कंप्लेक्स पार्ट क्या है आपके पास में कंप्लेक्स इसमें देखो क्या क्या है तो माइनस एक्स प्लस थ्री एंड प्लस वाई और माइनस का थ्री इज इक्वल टू यही बना माइनस माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस का थ्री ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू टेन सो so तो so इसको कर लेते दोनों को ऐड किया तो आपके पास में कितना आ रहा है तो so इधर इसको ऐड किया एट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इसका आंसर क्या मिला आपको इसमें, इसमें क्या है एक्स इजल टू माइनस टू वाईकल टू एट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेकंड वन नेक्स्ट क्वेश्चन सो क्वेश्चन में क्या आपके पास में एंड जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट सो जेड टू अपॉन जेड वन इज प्योरली इमेजिनरी नंबर सो देन तो इसकी वैल्यू पूछिए तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है तो देखो इसमें तो अपने क्या लेट कर लेते हैं ले लो. तो इसमें देखो अब कैसे किस फॉर्म में plus upon minus इसको किस में लिखा आपने देखो यहां से जेड वन कॉमन निकालो जेड वन कॉमन निकाला तो क्या आ रहा है आपके पास में जेड वन टू प्लस थ्री जेड टू अपॉन जेड वन अपॉन में जेड वन तो जेड इधर क्या आएगा आपके पास है? 2 में टू माइनस थ्री जेड टू अपॉन जेड वन इस फॉर्म so में जेड टू अपॉन जेड वन के यहाँ पे जीरो सो दिस बी टू प्लस थ्री के आयोटा ठीक है एंड अपॉन में टू माइनस थ्री के आयोटा सो इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस क्या है वन है

इसमें इस पॉइंट इस का डिस्टेंस मेजर किया गया इस प्लेन से सो दिस प्लेन भी है फॉर्म में चेंज कर लिया तो देखो ये ये जेड एक्सेस आ गया इधर तो ये पी पॉइंट है टू माइनस थ्री फोर सो दिस इज जेड भी है इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है डी आर इसके इसके डी आर क्या होते हैं जीरो जीरो वन इक्वेशन ऑफ लेट एम बी पॉइंट ऑफ पी एम इक्वेशन ऑफ पी एम पीएम का इक्वेशन क्या बना आपके पास में एक्स माइनस टू अपॉन जीरो वाई प्लस थ्री अपॉन जीरो जेड माइनस फोर अपॉन वन इस फोर में आ गया ओके ना बी पुट दिस इक्वल टू आर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो प्लेन में लाई करता है सो दिस बी एम के कॉर्डिनेट्स क्या क्या हुआ टू माइनस थ्री एंड फोर आर एंड ऐसा है? ये हो गए किसके एम के इट लाइज इन दिस प्लेन तो प्लेन में लाई करेगा तो देखो क्या आएगा टू माइनस थ्री प्लस आर प्लस फोर एंड माइनस फाइव इज इकल टू जीरो सो वी हियर इसको सिंपलीफाई किया सिक्स माइनस थ्री तो सिक्स माइनस थ्री हेयर बी है थ्री तो आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है टू आर वी हैव इक्वल टू टू तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम सो टू माइनस थ्री एंड सिक्स ऐसा हुआ ठीक है तो अब अपने पास में यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो पी एम सो वी है ट इज द डिस्टेंस तो आंसर इज टू सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन इस को देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वैक्टर विद्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर नहीं है इन ए प्लेन

रिप्रेजेंट थ्री साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रा इन मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी वेक्टर सी इज बीटा सो देखो पहले अपने इससे डायग्राम बना लो ऐसे राइट एंगल ट्रा का तो इधर आपके पास में दिस इज सी वेक्टर ये सी वेक्टर ऐसे हो गया ठीक है एंगल बिटवीन

थ्री वेक्टर्स ये होता है ठीक है तो बेटा आपको ये देखना भी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाए टेक डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी तो यहां से वेक्टर सी के साथ में अगर अपने डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसमें देखो तो यू विल हियर यहां पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इट्स वैल्यू विल बी जीरो अगर आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर सेम हो जाए तो इट्स वैल्यू भी, भी जीरो। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया मतलब ये यूनिट वन, 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 तो आपके पास में दिस इज प्लस वन इक्वल टू जीरो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता ओके सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन ये मोडुलस लेना है वॉल्यूम कैन नेवर बी नेगेटिव तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है आपके पास में यहां पे ठीक है तो इसमें ए वेक्टर मतलब इसमें सॉरी ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट दी ए प्लस आयोटा बी होल क्यूब इज इक्वल टू वन आयोटा सो ज ए पॉजिटिटिव फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ एन तो एन का लास्ट डिजिट बताना है अपने को ना तो देखो इसमें आप पहले क्या करोगे इसको होल क्यूब को खोलो तो सॉल्यूशन में तो इसका ए क्यूब अच्छा आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा सो so, माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र सो थ्री ए स्क्र आयोटा बी तो माइनस थ्री ए बी स्क्र इज इकल टू इज इक्वल टू बी है माइनस वन हंड्रेड सेवन आयोटा इस फॉर्म में आ रहा ये अब आपको ये कह रहा है कि इंटीजर है सो so, इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो दिस इज इक्वल टू एन सो देखो इसका ए एंड माइनस थ्री ए स्क्वायर सो व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट दिस विल बी आयोटा बी प्लस या इसमें माइनस का इधर कर लो ये प्लस का हो गया ठीक है तो प्लस थ्री ए स्क्वेर बी एंड माइनस वन हंड्रेड सेवन आयोटा ऐसा हुआ सो तो फोर इंटीजर आयोटा इधर भी हो गया ठीक है तो एक तरफ लिख दो इस तरफ ठीक है सो तो फोर इंटीजर इंटीजर के लिए बेटा आपके पास में क्या होगा दिस मस्ट इक्वल टू जीरो सो बी क्यू माइनस प्लस बी दिसक्स वन हंड्रेड सेवन इक्वल टू जीरो सो और यू कैन राइट डाउन दिस को किस तरीके से लिखोगे आप इसको उधर ले जाओ सो थ्री ए स्क्र बी माइनस बी क्यू इज इक्वल टू तो ये किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास में 107. ठीक है इस फोर में आया सो so, से कॉमन क्या आ रहा है बी सो थ्री ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इजिकल टू वन हंड्रेड सेवन ओके अब देखो इसमें ना थोड़ा सा ध्यान से देखो

ठीक है ना तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दिस इंप्लाइज हेयर बी इज इकल टू वन बीज इकल टू वन सो देन थ्री ए माइनस बी स्कल टू वन हंड्रेड सेवन इस फॉरमे ठीक है तो ये आपके पास में यहां पर बी की वैल्यू वन डालोगे तो वट बी है B की वैल्यू वन डाली तो कितना आ गया थ्री ए स्क्र तो दिस वन हंड्रेड सेवन ए स्क्र

से बनेगा माइनस एटीन सो दिस विल बी वन नाइन एट वन नाइन एट सो वट इज द लास्ट डिजिट ऑफ एन यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एन तो आपके पास में कितना आया एट सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइन फ्रॉम द ओरिजन मीट द लाइंस एक ओरिजिन से लाइन पास होती है और पे कर रही है सो देन वैल्यू ऑफ बॉक्स एल तो बॉक्स एल की वैल्यू अपने को निकालनी है तो इसमें देखो आपको क्या है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन ऐसे आपके पास में ओरिजिन से ओरिजिन से लाइन पास हो रही है ना तो अब देखो मीट्स दीज टू लाइंस एट पॉइंट पी एंड क्यू तो इसमें सॉल्यूशन दे गए ये ओरिजिन से पास हो रही है ये पॉइंट क्यू लेट कर लो ये क्यू पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट सो पी के कोऑर्डिनेट इस पे ले लो पहले आपके पास में व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में इस पे सो एक्स माइनस टू वन एंड वाई माइनस वन अपॉन माइनस टू एंड जेड प्लस वन अपॉन सो दिस वी राइट ऑन आर आर ले लो इसको आर सो पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए आर र वन प्लस टू माइनस टू आर वन प्लस वन एंड आर वन माइनस वन एंड वट इज द क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हुआ क्यू के देखो आर टू एट पॉइंट थ्री माइनस आर टू माइनस थ्री आर थ्री प्लस वन इस फॉरम है तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी क्यू दे विल बी इन प्रोपोर्शन तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में लेने तो so वो देखो आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ऑफ इस फॉर्म में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी क्यू तो देखो आपको इससे ओरिजन को टेकिंग एज एरिजन ओरिजिन को लेते हुए तो so देखो इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे ये दोनों यही रहेंगे ना सो so देपोर्शन तो यही आपके पास में देखो यहां से ओ क्यू के डायरेक्शन रिशू यही आएंगे एंड ओपी के डायरेक्शन रेशियो यही होंगे ठीक है सो दे मस्ट बी सेम सो दे विल बी इन प्रोपोर्शन तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एंड सो दे मस्ट बी दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ठीक है प्रोपोर्शन में होंगे तो आपके पास माइनस आर टू माइनस थ्री माइनस टू आर वन प्लस वन एंड आर थ्री प्लस वन अपॉन आर वन माइनस वन ठीक है इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको सब सिंप्लीफाई करते हो टेकिंग दीज टू एंड टेकिंग टू ठीक है आपके पास में इस तरीके से जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पे इसको इसको सॉल्व करो तो R1 R2 में दो इक्वेशंस आएंगी आफ्टर सॉल्विंग दीज टू दीज इक्वेशंस वी हैव R1 है एंड आर टू इज इकल टू वन अप्री तो ये आपको वैल्यूज मिलेंगे तो आर वन आर टू की वैल्यू मिलते ही तो यू कैन फाइंड आउट दी कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू सो कॉर्डिनेट्स पी के कॉर्डिनेट आपके पास में क्या आ जाएंगे फाइव एंड माइनस सिक्स तो फाइव माइनस फाइव ठीक है पी के कॉर्डिनेट किए रहेंगे तो आपके पास में फाइव माइनस फाइव और कितना टू सो व्हाट विल बी द सिमिलरली किसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे क्यू के क्यू के, के कोऑर्डिनेट आपके पास में वन पॉइंट थ्री इसमें डालो वन पॉइंट थ्री सो हियर यू विल हैव द थ्री थ्री इधर माइनस का टेन पॉइंट थ्री ठीक है तो ये इसमें रखा तो कितना हुआ आपके पास में फोर बाई थ्री फोर बाई थ्री सो इफ यू फाइंड आउट पी क्यू क्यू को देखो अपने को जब अपने निकालेंगे सो यू दिस विल गिव दिन सिक्सूट सिक्स सो इज इज द दिस इक्वल टू एल सो बॉक्स ऑफ इज इक्वल टू बी इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको टू के इक्वल आएगा ओके okay? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे इफ ए लाइन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन इफ द लाइन कंटेन बाई द प्लेन टू एक्स प्लस प्लस वाई प्लस जेड माइनस थ्री ठीक है एंड इस दिस लाइन दैट इज इसल टू द दिस लाइन लाइन बाय द दीज टू प्लेन इज पैरल टू पैरल टू द दिस प्लेन तो अपने को क्या करना है उस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो विच इज कंटेन बाई द दीज टू प्लेन्स सो सॉल्यूशन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन तो गिवन लाइन की डायरेक्शन रेशियो क्या है देखो उसकी लेट कर लेते हैं एबीसी तो नॉर्मल ऑफ दिस टू प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट लाइन तो क्या आएगा आपके पास टू ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो एंड ए माइनस बी प्लस टू सी इजिकल टू जीरो सो हेयर हैव ए अपॉन सो दैट विल बी थ्री एंड फोर दिस माइनस थ्री सी अपॉन माइनस थ्री इस फॉर्म में आ रहा है सो ए अपॉन वन बी अपॉन माइनस वन एंड सी अपॉन माइनस वन तो अब इसमें लाइन इज पैले टू दिस प्लेन सो वट बी है इसका

तो देखते हैं फिर अपने इसको देखो किस तरीके से करेंगे पहले तो सोल्यूशन इसमें पहले आप क्या है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा इसमें इसमें देखो क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो किस फॉर्म में आएगा ठीक है इसको क्या किया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर बी वेक्टर इस फॉर्म में आएगा फिर इधर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर सॉरी ए वेक्टर डॉट बी इनटू में सी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर Is equal to five. अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे देखो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब इसके साथ में ये तो में में है ना, इसका इसके साथ में dot product आएगा तो ये दो वेक्टर्स क्या इट्स वैल्यू विल बी जीरो सो हेर यू है यूनिट वैक्टर सो दिस बी ए सी मोडलस ऑफ ए वैक्टर मोडलस ऑफ सी वैक्टर कॉस फाइव आई थ्री ओके दिस विल बी एंड इसका इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सो दिस इज ये जीरो हो जाएगा तो फाइव ओके okay, तो ये आपके पास में तो क्या आ जाएगा वन अपॉइंट टू ऐसा तो ये आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ए बी सी तीनों वैक्टर का तो ये देखो आपके पास में साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो देखो जैसे ए बी सी बी सी ए ऐसे रहता है तो बी सी ए ए बी सी ए बी सी बी सी ए सी ए बी इस फॉर्म में होना चाहिए तब इसकी वैल्यू सेम रहती है ना तो इसको फिर आप क्या करोगे पलट के लिखेंगे बी सी ए तो ये माइनस में आएगा दैट विल बी फाइव सो हेयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा इसका सो दैट विल बी टेन तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टेन तो इसका आंसर टेन आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सो दैट ये आपके पास में कंडीशन दे रखी है रूट थ्री ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इंटू में ए वैक्टर इज इक्वल टू वन प्लस बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर एंड वे आर मोडलस ऑफ बी ए वैक्टर इज वन मोडलस ऑफ ए वैक्टर कितना दे रखा है को के इक्वल दे रखा है तो देखो अब इसको आप किस तरीके से लिखोगे यहां पे तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है मोडलस अंडू थ्री ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहां पे देखो आपको मोडलस ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है वन के सो यू कैन राइट ऑन मोडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू वन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना मोडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वन सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू वन तो सिंपल आप इसको देखो कैसे लिख दोगे बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये यहां पे माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस

ए वेक्टर मोडलस फॉर्म में आ गया इसको देखो आप कैसे लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये वी कैन राइट इन फॉर्म फॉर्म इस में लिख सकते हैं अपने ठीक है अब देखो दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस मोडलस तो अब इसमें देखो अब इसका क्या आएगा आपके पास में इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा इसको देखो किस तरीके से लिखोगे माइनस मोडलस ऑफ ए वेक्टर एंड मोडलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ओके इस फॉर्म में आएगा तो अब अपने पास में यहां पे देखो ए वेक्टर बिल भी इसको ध्यान से समझे थोड़ा सा यहां पे ए वेक्टर ये जो आपके पास में प्लेन है ये

तो बेटा ये आपको मैं बता रहा था ये एक्चुअल में ये देखो इसमें क्या है इसको ध्यान से देखें ये वो वेक्टर होगा एंड परपेंडिकुलर टू व्हाट किसके परपेंडिकुलर होगा उस लाइज इन दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा आपके पास में फिर एंगल क्या हुआ फिर आपके पास में

इस तरीके से आ गया वन प्लस मोडलसर ओके तो इसमें इधर बीच में यहां पर प्लस है प्लस है ना बेटा ये प्लस से थोड़ा ध्यान देना इधर ठीक है तो अब इधर ये आपके पास में रूट थ्री को सीटा मोडलस ऑफ बी वेक्टर इस मोडलस ऑफ बी वेक्टर को दूसरी तरफ ले जाते हैं ना तो देखो आपके पास में किस फॉर्म में आ रहा है इधर सो रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सो दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन मोडलस ऑफ बी वेक्टर एंड प्लस मोडलस ऑफ बी वेक्टर ये अब ये राइट हैंड साइड पे आपके पास में वैल्यू पॉजिटिव है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ये ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहेगी ठीक है बट दिस साइड इज लेस देन इक्वल टू टू तो इक्विलिटी कब होल्ड होगी वेन बोथ आर इक्वल टू टू तभी तो सोल्यूशन पॉसिबल होगा तो ये आपके पास है फोर तो प्लस रूट थ्री कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू टू तो इसको देखो फिर आप टू को इधर लेकर आ जाओ तो देखो किस फॉर्म में बदलेंगे रूट थ्री अपॉन टू कॉस थीटा वन अपॉन टू साइन थीटा

ओके okay, तो अभी नेक्स्ट क्या है अपने एडवांस के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे तो देखो नेक्स्ट